ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जो रैली का आगाज़ हुआ है, जिसे हुंकार रैली के नाम से आज आयोजित किया जा रहा है, इसमें देश के सभी मान्य संगठन जो सामाजिक समरूपता की बात करते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं और संविधानिक तरीके से शासन प्रशासन को चलाने की बात करते हैं, उनकी एकता के के लिए ये समागम किया गया है। और विशेष इसका जो मकसद है वो ये है कि किस तरीके से हम सामाजिक एकरूपता में रह करके और सामाजिक ढांचे को और मजबूत बना सकते हैं। सामाजिक ढांचा यदि आपको मजबूत बनाना है, हमें मजबूत बनाना है, तो आपसी द्वेषता से नहीं बल्कि आपसी भाईचारे से हमें चलना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति भारत की मिट्टी में पैदा हुआ है वो भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद वो किसी धर्म से किसी जाति से संबंध रखता है। तो इस विषय को लेकर के विशेष करिए, क्या नाम? मोहन श्याम आर्य मेरा नाम है। मोहन सिंह आर्य। मोहन श्याम आर्य, मैं वकील हूँ। हाँ, आप वकील हैं जी। सर, अभी जैसे कि चंद्रशेखर को जमानत दे दी थी हाई कोर्ट ने जी, उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद में उन पर राष्ट्रपति लगा दी, क्योंकि आप एक कानून के ज्ञाता हैं, हर समय संविधान आपके हाथ में रहता है, ये क्या पॉलिसी रही थी? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है सर, देखिए यहाँ पर 3 विंग हैं जो हमारे भारतीय संविधान में हैं, लेजिस्लेशन है, जुडिशियरी है और एग्जीक्यूटिव्स हैं। हर विंग अपने अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि चंद्रशेखर जी इस समय जुडिशियल कस्टडी में हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ़ दर्ज भी हुए हैं, उसके बाद जब बेल उनकी हो गई है फिर भी उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इस पर मैं कमेंट कुछ नहीं करना चाहूँगा, कोर्ट अपना काम बखूबी करेगा। यदि ऐसा कहीं किसी संविधान में किसी कानून की उसमें नहीं लिखा गया है कि जो पुलिस करती है वो सही है, जो पुलिस करती है वो सही है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल अलग है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें नापतोल करके और सही डिसीजन एक दिन आपके सामने आ जाएगा।